ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉरिशस में भव्य स्वागत किया गया है। मॉरिशस से बड़ी खबर, योगी के स्वागत में लगे हैं जय श्री राम के नारे। अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में भव्य स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मॉरिशस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धूम देखने को मिली है। दरअसल मॉरिशस के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी को देखकर सम्मेलन में जय श्री राम के नारे लगे हैं। सीएम योगी के स्वागत में जय श्री राम के नारे लगे हैं। थोड़ी देर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी के साथ मॉरिशस में भारत समाचार भी है। तो भारत समाचार मुख्यमंत्री के साथ है। दरअसल मॉरिशस के दौरे पर है भारत समाचार भी। मॉरिशस के इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ है और पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें सबसे पहले भारत समाचार आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि भारत समाचार मॉरिशस में मुख्यमंत्री के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है भारत समाचार और सीधी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। तो मॉरिशस में जय श्रीराम के नारे लगे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंची है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। भारत समाचार योगी आदित्यनाथ के साथ है मॉरिशस में और हर तस्वीर, सबसे पहले ये तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। भारत समाचार उनके साथ मौजूद है और वहां पर जब जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे लगाए हैं। वहां मौजूद लोगों ने भव्य स्वागत किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉरिशस में है और उनके साथ है भारत समाचार। 3 दिन के मॉरिशस दौरे पर है मुख्यमंत्री और 3 दिन तक मॉरिशस के दौरे पर भारत समाचार भी। भारत समाचार लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है मॉरिशस के दौरे पर। हर तस्वीर भारत समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, सीधे मॉरिशस से उत्तर प्रदेश की जनता तक। सबसे पहली तस्वीर जो सबसे दिलचस्प है ये कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉरिशस के इस अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, वीरेंद्र जी सबसे दिलचस्प तस्वीरें रही उत्तर प्रदेश और देश की बात की जाए तो अमूमन था कि जय श्री राम के नारे लगाए जाते, जैसे ही सम्मेलन में पहुंचे भव्य स्वागत। देखिए योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है जी, और जो ये मॉरिशस है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और बिहार के इस तरफ के बहुत सारे लोग रहते हैं उत्तर भारतीय है। यह तो ये कहा जाए कि आधा से ज्यादा मॉरिशस उत्तर प्रदेश के लोगों से भरा पड़ा है जी। इनके पुरखे बाप दादा एक जमाने में वहाँ गए, वहाँ उन्होंने व्यापार स्थापित किया, सरकार में उनकी भागीदारी है। और योगी आदित्यनाथ इस समय यूपी के सीएम है और हिंदुत्व का वो चेहरा है, तो उनके पहुँचने पर जय श्री राम का नारा लग रहा है दूसरे देश में सात समंदर पार, तो निश्चित ही ये हिंदुत्व के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और कहा जाए तो योगी जैसे मुख्यमंत्री के लिए भी, जो कि उसका अपना भगवा एजेंडा है वो हर आदमी जानता है जी, तो आज मॉरिशस में वो उत्तर भारतीयों के प्रवासी सम्मेलन में मिल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और मॉरिशस के बीच देखिए व्यापार को लेकर भाई भाई का रिश्ता है जी, और वहाँ के बहुत सारे मंत्री उत्तर प्रदेश आते रहते हैं समय समय पर, और यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के भी लोग जाते रहते हैं। तो ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के बहाने योगी जी वहाँ के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे जी। तो ये बहुत बड़ी बैठक है, ये बहुत बड़ा सम्मेलन है और उत्तर प्रदेश को इस सम्मेलन से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर मॉरिशस के लोग यहाँ आकर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग मिलेगा। और इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वहाँ के तमाम सारे उद्यमी इंटरेस्टेड हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र सिंह जी। और ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर,